Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing the last and the final part of the amelogenesis imperfecta. In the fifth part, we will be discussing about the hypocalcification type of amelogenesis imperfecta and the various treatment options that could be given to correct amelogenesis imperfecta. So, first of all, let us talk about the hypocalcified type of amelogenesis imperfecta. Here, hypocalcified mein, the enamel matrix has been laid down properly, but there is no mineralization. ठीक है, enamel matrix तो laid down हो गई है, but mineralization नहीं हो पा रहा है. ठीक है. Now, this hypocalcified type of amelogenesis imperfecta, it could be of two types, which is autosomal dominant and autosomal recessive. Generally, क्या क्या features देखेंगे इसके? सबसे पहले general features देखो. Here, what is seen is, the shape of the crown, it is normal, but enamel jo hai, it is very soft and easily lost. Because of this soft enamel, what happens is, after function with increase in age, jaise jaise tooth function karta hai, mastication perform karta hai, kya hota hai, the enamel is lost from the cuspal region and the occlusal surface becomes irregular. Cuspal region से enamel जो है वो lost हो जाएगा और जो occlusal surface है वो कैसा हो जाएगा? Irregular. ठीक है. Although the shape of enamel or the tooth is normal, but जो enamel it is excessively soft and it is easily lost. Chip off हो जाता है इसमें भी. With function, with increase in age, जो cuspal area है वहाँ से enamel is lost और जो occlusal surfaces हैं they become irregular. ठीक है. Now during eruption, जब tooth erupt होता है तब color कैसा होता है? At that time the color of enamel is yellow brown or orange color. Yellow brown or orange color. But with increase in age, जैसे जैसे age increase होती है, what happens is, it turns brown, black in color. Why? क्योंकि इसकी staining हो जाती है, it is stained, और इसमें rapid calculus deposition. ठीक है. अब जैसे जैसे देखो, जो हम लोगों ने देखा था हाइपोप्लास्टिक टाइप में कि अनइरप्टेड टूथ बहुत सारे थे एंड एंटीरियर ओपन बाइट थी, इट इज़ नॉट कॉमनली सीन इन द हाइपोकैल्सिफाइड टाइप ऑफ अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा. क्यों? क्योंकि इसमें टूथ का शेप जो है, जिस शेप में टूथ लेट डाउन हो रहा है, वो नॉर्मल है. ठीक है. अब ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दोनों जो पैटर्न्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट जो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का पैटर्न है इट इज़ मोर सीवियर. ठीक है. अब अगर हम रेडियोग्राफ देखेंगे तो इसमें भी इनामल और डेंटिंग सेम दिखेगा, इनके बीच की जो डेंसिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है, देर इज़ नो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इनामल एंड डेंटिंग. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें दिखती है वो ये है, विद द इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होते जाती है, द कोरोनल पोर्शन ऑफ द इनामल इज़ चिप्ड ऑफ, पूरा कोरोनल पोर्शन ऑफ इनामल चिप्ड ऑफ हो जाता है, बचता है तो सिर्फ सर्वाइकल पोर्शन. सर्वाइकल पोर्शन बचने के दो रीज़न्स हैं, एक तो ये कम फंक्शन में आता है, दूसरा इट इज़ मैनी अ टाइम्स ये ठीक से लेट डाउन होता है. ठीक है. सो दिस इज़ इट अबाउट द हाइपोकैल्सिफाइड टाइप ऑफ अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा.
नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट इज सिम्टोमैटिक, जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट. द मेन प्रॉब्लम फॉर द एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज द एस्थेटिक्स, डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी एंड लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर टूथ शेप. तो एस्थेटिक्स, डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी और लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन मेन प्रॉब्लम्स हैं. अदर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कुछ कुछ टाइप्स में दिखते हैं? इट इज़ इंक्रीज केरीज, एंटीरियर ओपन बाइट, डिलेड इरप्शन, इम्पैक्शन एंड जिंजाइबल इन्फ्लेमेशन. अब इसका ट्रीटमेंट के लिए व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस? हम लोग वीनियर्स दे सकते हैं पेशेंट को, कंप्लीट डेंचर्स, ओवर डेंचर्स दे सकते हैं, या फिर फुल कवरेज क्राउन्स भी दे सकते हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड इट्स टाइप्स, उनके क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोग्राफिक फीचर्स, इटियोलॉजी, एवरीथिंग. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो हिट द बेल आइकन इफ यू डोंट वॉन्ट मिस द लेटेस्ट अपडेट्स. Do let me know in the comment section below if this video has helped you in any way, as this would boost me to make videos of even better versions for you all. Stay tuned, keep visiting. Thank you.